ആദ്യം ദാന വരുമെന്ന് സിക്കാമി श्रीमा, श्रीमा गड़िका यानी जो श्रीमा प्रोस्टिट्यूट है या श्रीमा जो वैश्या है उसकी कहानी है। वैश्या को गड़िका बोलते हैं और नगर वधु भी बोलते हैं। ये गाथा कथा नंबर 147 है। श्रीमा बहुत सुंदर होती है। उस समय सारे एरिया के अंदर जो राजगीर या राजगृह जो जगह है वहाँ पर गड़िका और जो नगर वधु है उसका प्रचलन है। यानी कि कोई महिला जिसको सारे लोग मिलके ऐसा कहते हैं कि हम इससे शादी करना चाहते हैं या उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है या जब बहुत ज़्यादा लोग कहते हैं कि हम शादी करेंगे तो वो सबसे शादी ना करके नगर वधु बन जाती है, गड़िका बन जाती है, जो उस समय का वैलिड एक क्रिया है यानी कि वैलिड काम है। और उसमें गड़िका को वो लोग उसकी सेवा लेने के लिए, उसके साथ रात बिताने के लिए जो वो पैसे मांगती है उसको पैसे देते हैं। श्रीमा बहुत सुंदर थी इसलिए उसकी बहुत ज़्यादा मांग थी, सभी लोग उसके साथ में रात बिताना चाहते थे। तो वो लगभग 1000 काशार्पण लेती थी। भगवान बुद्ध के जब वो प्रवचनों को उसने सुना और देशना को सुना तो वो स्वतापन्न हो गई, उसको जीवन समझ में आ गया और भिक्खु अक्सर उसके यहाँ जाया करते थे और वो भिक्खुओं को दान दिया करती थी। क्योंकि भिक्खु तो सभी जगह जाते हैं, जहाँ उनको जो बुलाएगा वो जाते हैं और बिना बुलाए भी जाते हैं। जब भिक्खु वहाँ पिंडपात के लिए, चारिका के लिए, धम्म देशना के लिए जाते थे तो उनमें एक सामनेर बिल्कुल नया जो तभी का तभी दाखिल हुआ था, तभी का तभी वो विहार में आया था, उसने श्रीमा को देखा और श्रीमा को देख के उसके राग में मोहित हो गया, उसे मोह में पड़ गया। और वो कभी कभी बिना टाइम के भी श्रीमा को देखने के लिए भिक्खा यानी कि पिंड के लिए, खाने के लिए, मांगने के लिए जाता था वहाँ। श्रीमा उसको सब जैसे सबको भिक्खु को दान देती थी उसको भी देती थी। भिक्खु में चर्चा चली कि ये जो भिक्खु है ये श्रीमा के आसपास में खास तौर से पिंडचारिका के लिए जाता है। बात भगवान के कानों तक भी पहुँची, भगवान तो सारा ध्यान रखते थे। अचानक हुआ ऐसा कि श्रीमा एक दो दिन बीमार हुई और मर गई। मरने के जब वो मर गई, भगवान के पास खबर आई कि श्रीमा मर गई है, तो भगवान ने राजा बिंबिसार से कहा, बिंबिसार का उस समय राज था, कि श्रीमा की जो लाश है, डेड बॉडी है, उसको कच्चे जो शमशान है उसमें डालें, पक्के में ना डालें। पक्के में डालेंगे तो जला देंगे या गाड़ देंगे, कच्चे में ऐसे ही छोड़ देते थे ताकि भेड़िए, कुत्ते, जानवर उस लाश को खा सकें और अपना काम चला सकें। और उन्होंने ये कहलवाया कि श्रीमा की लाश को कुत्ते और भेड़िए ना खाएं, इसलिए उसकी रक्षा के लिए 2-4 सिपाही वहाँ लगा देना। राजा ने वैसा ही किया। भगवान अपने भिक्खु संघ के साथ में वहाँ पहुँचे और वहाँ पहुँच के उन्होंने श्रीमा की लाश के आसपास देखा शमशान घाट में, और उस सामनेर को भी लेके गए जो आशक्त था, जो उसके ऊपर मोह में था, जो राग में था। उसने भी वहाँ श्रीमा की लाश को देखा, क्योंकि नई ताज़ा लाश थी, ज़्यादा कुछ बिगड़ता नहीं है जो नई ताज़ा लाश होती है। भगवान ने बिंबिसार से कहा कि पूरे नगर में, पूरे राजगीर में ढिंढोरा पिटवा दो कि जो श्रीमा के साथ में रात बिताना चाहता है वो अब 500 काशापण में यानी 500 मुद्राओं में रात बिता सकता है, वो शमशान में यहाँ है, कोई नहीं आया। तो अगले दिन मुनादी कराई कि जो रात बिताना चाहे तो 250 मुद्राओं में कर ले, और फिर अगले दिन मुनादी कराई कि 50 मुद्राओं में कर ले, और फिर अगले दिन मुनादी कराई कि वो फ्री आए और उसके साथ रात बिता ले। तब तक लाश फूल कर सड़कर मोटी हो गई और वो बुरी तरह से खराब हो गई थी। अब वो देखने लायक नहीं थी क्योंकि उसमें बदबू बहुत ज़्यादा आ रही थी, कच्चा शमशान में ऐसी पड़ी हुई थी लाश। तो वैसे भी क्योंकि हाई प्रोटीन होते हैं बॉडी में मांस के, तो बहुत जल्दी वो डिकम्पोज होते हैं और उनमें जल्दी से सड़ान आनी शुरू हो जाती है। रखा हुआ किसी जानवर का मांस है, अगर उसको आप फ्रिज में नहीं रखेंगे तो बहुत जल्दी सड़ जाता है, बदबू आती है, बहुत हैवी प्रोटीन होते हैं, बहुत जल्दी डिकम्पोज होते हैं, तो लाश बहुत जल्दी सड़ती है। और लाश जब सड़ती है तो उसके जितने भी छेद होते हैं, जितने भी इनपुट होते हैं यानी शरीर में इनटेक के और आउटटेक के, खाने के और निकालने के जितने भी छेद होते हैं, चाहे वो नाक है, चाहे मुंह है, चाहे आँख है, चाहे कान है, चाहे जहाँ से खाना निकलता है वो है या जहाँ से पेशाब निकलता है वो है, वो जितने भी शब्द हैं या जो जितने भी छेद हैं या हमारी स्किन के जो छोटे छोटे रोम छेद हैं, वो उनमें से तल पदार्थ निकलना शुरू हो जाता है अपने आप, क्योंकि उन छेदों में इकट्ठा होता है वो सड़कर पानी और वो बहना शुरू हो जाता है और धीरे 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 वो डिकम्पोज
और खराब और गलनी शुरू हो जाती है लाश। तो सामनेर को उन्होंने देखा भगवान ने कि अब इसके मन पे क्या फर्क पड़ रहा है क्या नहीं पड़ रहा है। और फिर वहां उन्होंने कहा कि देखो इस लाश को ध्यान से देखो कि लोग इसके साथ एक रात बिताने के लालायित होते थे और लोगों का सपना होता था, जिनके पास पैसे होते थे और ना भी होते थे तो वो दुनिया भर का पैसा इकट्ठा करके लाते थे, मेहनत करते थे हजार मुद्राएं इसको देने के लिए ताकि इसके साथ एक रात बिता सकें, और अब इसके साथ कोई फ्री भी रात बिताने के लिए तैयार नहीं है। ये जीवन का सत्य है, ये जीवन का निच है, क्योंकि हर एक चीज़ अनिच होती है, चाहे वो कैसी भी है, वो सब खत्म होनी होती है, चाहे वो शरीर है, चाहे पृथ्वी है, चाहे अग्नि है, चाहे सूरज है, चाहे वायुमंडल है, चाहे कोई भी सामान है, चाहे मनुष्य है, कोई भी है, अगर कहीं निच्च है तो वो सिर्फ निब्बान है। निब्बान परम सुख है, वही परम निच्च है, और कोई भी सत्य नहीं है, और कोई ऐसा नहीं है जो ना बदलता हो, बाकी सब बदल जाते हैं निब्बान को छोड़ के। ये बात उस भिक्कू को समझ में आई और फिर उसका जो राग और मोह मूर्ता थी वो खत्म हुई, उसने अपना ध्यान विपस्ना साधना में लगाना शुरू किया। भगवान बुद्ध अक्सर शमशान घाट में, मठ घाट में या डेड बॉडी के आसपास अपने भिक्खुओं के साथ में जाते थे, उनको लेकर जाते थे या उनको कहते थे कि ऐसी भावना करो जैसे तुम्हारा शरीर अब मर गया है, सड़ रहा है, ऐसा सोचना शुरू करो, ऐसा देखो। बहुत लोगों का उन्होंने मनोविज्ञान रूप से ऐसा इलाज किया, जो महासती पठान का कोर्स है उसमें ऐसी भावनाएँ, ऐसी प्रैक्टिस, ऐसे अभ्यास उसमें बहुत सारे बताए गए हैं। तो यहाँ जो उन्होंने देशना दी और विपस्ना जो दी उसकी गाथा इस प्रकार है, गाथा नंबर 147। पश्चित्तकतं बिंब अरुए कायं समुस्सित आतुरं बहुसंकप्पं यस नत्थी धुवं थिति। पश्चित्तकतं बिंब, पश्च माने देखो, चित्तकतं माने होता है, चित्त माने होता है सुसज्जित या अच्छा, जैसे कहते हैं ना चित्त तो मन को बोलते हैं, यानी मन को मोहने वाला। कतंग, कतंग माने किया हुआ, ये देव, ये जो बिंब है, बिंब माने आकृति, यानी इस आकृति को देखो जो पड़ी हुई है, बेसिकली वो श्री माँ की जो लाश है उसको कह रहे हैं कि देखो ये जो दिलकश है, जो दिल को अच्छी लगती है, उस आकृति को, उस प्रतिबिंब को देखो। अरुकायंग समुस्सितंग, अरुकायंग का मतलब होता है, अरु माने होता है वर्ण, वर्ण माने घाव या नासूर, यानी कि अरुकायंग जिसमें घाव भरे हुए हैं ऐसी काया को देखो। अरुकायंग घाव वाली सड़ी हुई काया को देखो जिसमें से सारे छेदों में से पानी निकल रहा है। समुस्सितंग, समुस्सितंग का मतलब है जो फूल गया हो, जो ऊपर उठ गया हो, क्योंकि जब लाश सड़ती है तो फूल जाती है, और क्योंकि खाल उसको जो स्किन है वो पानी को बहाने आने देती है और नीचे गैसें बनती हैं सड़ सड़ के तो वो फुला देती हैं, तो कहते हैं उस फूली हुई काया को देखो। जैसे पानी में जब डेड बॉडी सड़ जाती है तो फूल जाती है और फूल के ऊपर आ जाती है। आतुरंग बहु संकप्पंग, आतुरंग का मतलब है व्याधि यानी रोग, यानी कि व्याधि वाली, रोग वाली, अब तो वो मर चुकी है तो व्याधि और रोग वाली। बहुसंकप्पंग, बहुसंकप्पंग का मतलब जिसने बहुत सारे संकल्प किए, जो बहुत सारे संकल्प करते हैं कि ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, कितने सारे संकल्प करता है आदमी जीवन में, मैं ये करूँगा, ये लाऊँगा, ये गाड़ी, ये खाना, ये पीना, ये बोलना, ये चालना, कह रहा देखो इसको जो ये बीमारी है, जो बीमारी होती है कि मैं बहुत सारे संकल्प करूँगा, ये वही शरीर है, वही बॉडी है, यस माने यही है। नत्थी धुवंग तिट्ठी, नत्थी धुवंग तिट्ठी माने यस नत्थी धुवंग तिट्ठी, यस माने यह जो है, नत्थी माने नहीं है, और धुवंग माने धुबकी या धुब जैसी, तिट्ठी माने स्थिति, यानी कि यह धुब जैसी स्थिति नहीं है। अब धुब जैसी स्थिति क्या होती है, ये जो धुब तारा है, धुब तारे का स्थित होना, जो फिक्स होना है, बुद्ध के समय से जाना जाता है, माना जाता है, कहता ध्रुव तारा नहीं हिलता। पूरे जो नक्षत्र हैं, नक्षत्र हैं हमारे सारे नक्षत्रों में, जो सौरमंडल है, जो वायुमंडल है, जिसमें सारा सारे तारे रहते हैं, उसमें एक्सिस के सीध में बिल्कुल ध्रुव तारा आता है। ध्रुव तारा कभी नहीं बदलता, 12 महीने वो अपनी जगह फिक्स रहता है, तो उसको कहते हैं कि ये स्थिर रहता है, ये कभी नहीं बदलता। तो वो कहते हैं कि ये जो है ये नहीं है ध्रुव तिथि, यानी कि ये जो स्थिति है ये ध्रुव की तरह नहीं है, ये जो शरीर है ये स्थिर नहीं है, ये फिक्स नहीं है, ये नित्य नहीं है, ये तो खत्म होना ही होना है, इसको तो रोका नहीं जा सकता, ये वो गाथा कहते हैं। और श्री माँ का जो ये कहानी है, श्री माँ की जो ये उपमा है, श्री माँ की जो वो डेड बॉडी दिखाते हैं, ये बुद्ध साहित्य में बहुत ज़्यादा फेमस है। सारी डेड बॉडियों का, सारी लाशों का, सारे शवों का एक ही हश्र होता है, और वो हश्र वही है कि उनको गलना है, सड़ना है। आदमी जब तक जीवित रहता है तब तक रिश्ते में रहता है,
और जैसे ही मरा नहीं तुरंत रिश्ते खत्म हो जाते हैं और वो डेड बॉडी हो जाता है, लाश हो जाता है, चाहे वो कोई राजा है, चाहे महाराजा है, चाहे किसी ने देश बेच कर सारा पैसा खाया हो, चाहे कोई गरीब हो, चाहे कोई भूखा हो, चाहे कोई नंगा हो, सबकी लाश के साथ ऐसा ही होता है, चाहे किसी ने पापकर्म किया है या नहीं किया है। बस फर्क इतना है कि बहुत ज़्यादा पापकर्म करेगा तो सड़ के मरेगा, और जब तक उसे जन्म पे जन्म मिलते रहेंगे तो वो सड़े हुए जीवन के ही जन्म मिलते रहेंगे। पाप कम नहीं करोगे तो बहुत अच्छी तरह से मरेगा, सुख में मरेगा। सुख में भी मरना होता है, यानी कि जो बिल्कुल शांति से मरता है, आँख खोल के मरता है, हंसते हंसते मरता है, उसको सुखमय मौत बोलते हैं। और जो बीमार होकर सड़ सड़ कर तड़फ तड़फ कर एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर हॉस्पिटल में उसका मुंह बंद कर देते हैं, उसके गले को बंद कर देते हैं, उसके इंजेक्शन पर इंजेक्शन लगा देते हैं, उसको चीखने चिल्लाने भी नहीं देते हैं, वो सब सड़ी हुई मौतें होती हैं, पाप कर्मियों की मौत होती हैं। जितनी मौतें आज की डेट में अस्पताल में सड़ सड़ के हो रही हैं, वो सब ने पाप कर्म किए हुए हैं। और जो बहुत शांति से मरते हैं उनके बहुत अच्छे कम हैं, पुण्य कम हैं, ये विपस्ना जो करता है वो बता देता है, वो समझ जाता है। तो यहाँ जीवन का मरण का भगवान बुद्ध ने बहुत अच्छा बताया। और जो सावित्री की जितनी सतियाँ हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा जानकार रही हैं और उन्होंने बहुत ज़्यादा समझाया है। धन्यवाद। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धम्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है, ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं, आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएं, क्योंकि धम्म सबका है। हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। Sikkha padam smadhyami. Kamesu michachara virmani sikkha.